रूबरू कराने वाला हूँ आपकी काफी फेवरेट एक्ट्रेस से जो सिद्धि विनायक में सिद्धि का रोल प्ले कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मुंबई की है, राइट? यस। और इन्हें फिश और चिकन पसंद है, राइट? और इन्हें वो लोग पसंद है जो खुश रहते हैं, उनको एग्री मैन उनके सराउंडिंग पसंद नहीं है, राइट? ओह माय गॉड, राइट? तो गाइस समझ लो मैं किससे बात कर रहा हूँ, दिखा देता ना भाई। हाय, हेलो। तो क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में अभी तो फिलहाल सिद्धि विनायक चल रहा है। तो एंजॉय कर रहे हो? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, एंड इनफैक्ट कल रात को भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया बिकॉज वी कंप्लीटेड 100 एपिसोड। मेरी जस्ट कहने वाला था 100 एपिसोड इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया, यूपी। यस, बट दो आई वाज इन अ पार्ट ऑफ 100 एपिसोड, गॉट द सेम लव एंड सेम अफेक्शन। डेफिनेटली। व्हाट इज अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? वक्त ही नहीं मिल पाता है कुछ करने का बिकॉज मॉर्निंग वी गेट अप, अक्सर ऐसा लगता है कि जो आप लोगों का जो जॉब होता है ये बहुत ही इजी होता है, इसमें लाइक आप लोगों को ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। Very, very, very tough job because yeah, till the time अगर आप enjoy कर रहे हो अपने काम को तो हर एक काम easy लगता है, but अगर आप enjoy नहीं कर रहे हो या मतलब actually हमारा profession ऐसा है कि अगर हम 30 minutes on screen आते हैं तो उसके लिए हमें पूरा दिन almost 12 से 14 घंटा you know घंटे देना पड़ता है, तब right. जाके उतना footage हमारे पास होता है। right. जब बाहर से कोई शूट देखने आते तो वो ऐसे सोचते थे ओह माय गॉड इतना सब होता है। सो या एंड पर्सनल लाइफ गोज फॉर अ टॉस, पर्सनल लाइफ आपकी रहती नहीं है, पेरेंट्स घर पर होते हैं उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। स्पीकिंग आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर, सो थिंग्स जस्ट हैपेंड, चीज़ें होती गई लाइफ में एंड मैंने अपॉर्चुनिटी का सही यू नो आई टुक द बेनिफिट ऑफ द राइट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। एंड जब भी मुझे ऑफर आया था एक्टिंग का तो दो तीन बार मैं ऑडिशंस के लिए भी गई थी, बट उसके बाद आई थॉट कि आई शुड प्रोग्रेस इट इन अ राइट वे, तो मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया, ये सब किया। सो आई एक्चुअली मैंने अपने स्किल्स पे ज़्यादा वर्क किया सो दैट मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े ज़्यादा, एंड दैट्स वॉट वर्कड फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनली इफ आई कंपेयर माई सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल देन येस मुझे उतना इमोशनली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिकॉज आई हैव माई पेरेंट्स हियर, आई हैव माई एंटायर फैमिली हियर, तो अगर अप्स डाउन्स आते भी है तो साथ में कोई होता है हमेशा। सो या मैं उनकी लाइफ को खुद से कंपेयर कर ही नहीं सकती। डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छा देखिए, वैसे अब जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो हिचके जाते हैं, वो अपने बच्चे को अलाउड नहीं करते, तो आपको ऐसे सामने आए थे मम्मी ने कह दिया कि बेटा नहीं, अगर तुमने उस इंडस्ट्री में ट्राई किया तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद, ऐसा काइंड ऑफ सीन? नॉट एट ऑल। आई मीन मैंने अपने लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था जब मैं 4 साल की थी एंड मॉम को ऑफर आया था मेरे लिए फॉर अ फिल्म, एंड मॉम ने पता नहीं मुझे याद भी नहीं है मॉम ने मुझे बताया भी था या नहीं फॉर द ऑडिशन, मैं ऑडिशन के लिए गई, किसी ने यहाँ पे मेरी बंदूक रख दी। मतलब वो सीन ही ऐसा था कि somebody's kidnapping, पर आपको पता नहीं था? I wasn't aware, शायद मम्मी ने बताया भी होगा तो मुझे शायद पता नहीं, छोटे होते हैं ना कुछ पता नहीं होता है। तो मैं जब गई है मम्मी ने मुझे ये इंसिडेंट शेयर किया कि तुम रोने लग गई, बहुत ज्यादा रोने लग गई, चॉकलेट दे रहे ये दे रहे वो दे रहे, कुछ नहीं चाहिए बस कि मेरी और मॉम मुझे और मॉम को कोई मारना चाहता है टाइप, मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। अच्छा। उसके बाद मम्मा ने सोच लिया कि नहीं मतलब मेरे दिमाग पे असर हो सकता है, आई डोंट नो मे बी इट वॉज माई इन माई डेस्टिनी दैट मैं अंधेरी से मतलब बॉम्बे से ही हूँ एंड उसी एरिया में रहती थी जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री रहती है, द होल लोकेलिटी आई यूज टू लिव इन अंधेरी, सो वहाँ पे सब कुछ होता था, तो आई गॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, आई गॉट द राइट क्लिक एंड दैट्स हाउ चीजें बस होती गई। आई मीन यस, ये अब जो कहाँ गया कॉर्पोरेट गाइस, देखिए अभी इनको कह रहा हूँ ना कि इनकी लाइफ ना इतनी सिंपल नहीं, आपको लगता है कि ये बस आते वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं स्क्रीन पे जाके डायलॉग्स मारते, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देख रहा हूँ इनकी कितनी रिहर्सल हो चुके हैं, अब ये हार्डली बैठी थी यहाँ पे, घड़ी घड़ी बंदे आ रहे चलो चलो सेट पे चलो सेट पे। अब थोड़ा सा पर्सनल हो जाएंगे इनके साथ और थोड़ी इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे।
तो जैसे आपने बताया मोस्ट 400 कंपनी के लिए आप काम कर चुके हो, मोर देन 400 तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? I was into corporate industry where I used to handle events and events are such things that happens every day. I mean, company jo events hire matlab jo organize karti thi unke liye to every day there is a different company handling a different company you know having an event. Ha, project hote rehte hogi. Different hote the. So I was almost if I say I have covered almost all the companies starting from Reliance to Colgate to Lodha to I mean you know everything. I mean I have covered toothpaste to developments from the property from the exhibition to the corporate to the weddings. तो कभी आपको इस इवेंट्स में किसी ने अप्रोच किया है, बोला यार माशाल्लाह आप दिखते तो काफी प्यारे हो तो आप इस इंडस्ट्री में क्यों ट्राई करते हो? बिकॉज़ अक्सर लोग ऐसे आते हैं ना, आपको एक रास्ता भटका देते हैं आपका, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? दैट टाइम आई वाज वेरी यंग एंड एक बार ऐसा हुआ था मुझे आई वाज वर्किंग फॉर जैकिंग जोन्स क्लोथिंग ब्रांड वन ऑफ द बिग क्लोथिंग ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड एंड दैट टाइम आई केम अक्रॉस थ्रू अ डायरेक्टर ऑफ तनु वेड्स मनुसली and he shared his number and he told me to contact him and I don't know I mean I lost the number or what happened that time I seriously don't know because that time I was not interested in acha agar aapne wo number lost nahi kiya hota to kya aap unko contact karte? शायद करती बट देन मुझे हमेशा से ये पता था कि एक्टिंग इज समथिंग कि वो आपको सीख कर ही जाना होता है. इट्स नथिंग अबाउट इट्स नॉट लुक डजंट मैटर कम्प्लीटली. आई मीन लोगों को शायद हाँ हो सकता है कि आपको एक रोल मिल जाए जी, लेकिन इफ यू कॉन्स्टेंटली यस फॉर दैट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ. तो अच्छा आप उन लोगों को क्या एडवाइस करोगे जिनको एक्ट्रेस बनना है? ठीक है, दे आर नॉट फ्रॉम मुंबई, वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं हम थोड़ी स्ट्रगलिंग कर लेंगे, ऑडिशन कर लेंगे विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ एक्टिंग, ना उन्होंने कुछ एक्टिंग का कोर्स किया होता है, बस सोचते कि बस मैं यहाँ पे आऊँगी, आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक प्यारी, मैं बन जाऊँगी. तो ये आना उनका सही है कि नहीं? आप दिल से क्या एडवाइस देना पसंद करोगे उनको? मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं अब तक एंड मैं मुंबई से हूँ तो मैं लकी हूँ, बट मैंने बहुत से लोगों के बारे में सुना है दैट वो बॉम्बे में आते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं. मिसगाइड रॉन्ग पीपल, दे कम अक्रॉस रॉन्ग पीपल एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्हें लगता है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वे, दे रियली डोंट नो एंड नोबडी इज़ देयर टू टेल देम. उनको कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई उनको बता सके. सो फॉर देम आई वॉन्ट टू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द राइट पीपल एंड इफ़ यू मीट द राइट पीपल देन आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और आपको पता होता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और आप अपने आप को सही करते हो, आप अपनी सही चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हो और देन यू मूव फॉरवर्ड दैट वे. एंड प्लस मैंने ये भी देखा है कि जब लोग बाहर से आते हैं बिकॉज मुंबई इज़ द सेफेस्ट सिटी, सो यहाँ पे सब कुछ है तो यहाँ की चकाचौंध में लोग गुम हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आई मीन आप किसी भी वेर एवर यू आर फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू understand your goals. Definitely. You have to understand the responsibility of your closed ones, the family jinko aap bol ke aaye ho, you know. To wo focus hona bahut zaruri hai. Aksar log aise advice karte ki ladkiyon ko actress jo banna hai ki aapko agar banna hai to aap parties mein jaiye, aap clubbing kijiye jahan pe like aise director actor aate hain wahan pe jaiye, to ye sahi hai? No, I don't think so. I mean, मुझे नहीं लगता और ये सही होगा भी तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है. I mean, I'm not a party person and कभी पार्टी होती भी है तो सिर्फ उन लोगों के साथ who are very 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 close to me and the only thing that I feel ऐसा लोग कहते भी हैं कि if you want to present yourself, you have to present it through your work. People should know you through your work, not through the ये सब उल्टी सुल्टी चीजों से. I totally believe in that. That's your strength. Great. अच्छा आप फिटनेस फ्रीक हो? फिटनेस एक अलग तरीके से है, मेरी लाइफ में मैटर करती है डेफिनेटली. अगर मुझे लगता है कि माय बॉडी इज नॉट इन शेप सो आई विल अवॉइड ईटिंग सच फूड्स जिसकी वजह से लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जिस वजह से बिकॉज शूटिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योरसेल्फ. डेफिनेटली. सो आई ईट हेल्दी. मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे एंड योगा इज गुड फॉर एक्टर्स. Yoga is good for actors or for anybody. So because that maintains the flexibility of your body and it matlab andar se you know the whole system you know rejuvenates. So it's very important for anybody to do yoga meditation. Yehi mere liye health. Aur baba inka favorite food bhi fish aur chicken hai. Highly protein bhai, highly protein. To
chicken not much abhi. Chicken abhi not much abhi. Change ho gaya. Toh kya ho gaya? Chicken ki jagah kisne li? I like fish. I mean it's all time favorite. It's all time favorite. But very soon I want to quit. Kyu? Kyu? Bhai kyu? I feel I'm getting close to animals and I feel I shouldn't be doing animal cruelty. अच्छा अभी ये मुझे बताइए आप honestly. क्या आपने कभी कास्टिंग काउच को फेस किया है? I mean वैसा कुछ फेस नहीं किया है, but I was really young. I was not in the industry. अभी भी ये बहुत यंग ही है. I mean very young as in I was in my teen. Oh. Teenager थी मैं उस टाइम पे. I मतलब हो सकता था कि कुछ हो लाइफ में वैसा where I was misguided because I want to give a right direction and a right guidance to the youngsters and the newcomers. I was being asked to come for the hair oil meeting. And I went there. First of all, I had a deadline that time of reaching home at 6:37 after right after the college. But I told my mom that I have got so and so offer and I have to go and meet so and so person. So my mom was really sporty about it, positive about it. Like yeah, go but do inform me wherever you're going. And I used to inform her everything. Main gayi wahan and I felt that you know this place doesn't look like an office. मतलब वो ऑफिस वाली जगह नहीं लग रही थी मुझे एंड मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो मे बी ऐसे ही इसी तरह से होती होगी मीटिंग्स वहाँ पर्सनल स्पेस में होती होगी मीटिंग्स. आई वेंट देयर एंड द पर्सन वॉज देयर हु टुक मी द पर्सन वॉज देयर विद मी एंड देन द मेन बॉस केम हु वॉज सपोज टू हैव द मीटिंग विद मी एंड दैट टाइम दैट मैन हु वॉट मी देयर सडनली वेंट. And that person started saying, जिनके साथ meeting थी, कि हमने इनको बनाया है, हमने उनको बनाया. I never shared this experience. I'm sharing it with you, right? Indiana team. Oh yes. I want to give a right information to the people. I want to help them out. That you know, the right way to work is in the office, in the production house, where you are aware that this so and so thing exists in the market. You know, there is the right thing where you will progress in life. Otherwise, yeah, so what happened there? So I came across this person, I was listening. And somewhere I felt that intuition again. That intuition. Galat bala ha, ki, no. There's something because I was into corporate that time. So I know the pattern and the work, how ek kaam kaise hota hai, you know. So I started crying. I started crying and I said, Uncle, mujhe ghar jana hai. अंकल घर जाने एंड आई डोंट नो समहाउ मे बी दैट मैन वॉज नाइस और वॉट वॉज इट या गो 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 ही सेड गो 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 एंड आफ्टर दैट आई फाउंड आउट दैट द पर्सन हु टुक मी देयर वॉज नॉट द राइट पर्सन बिकॉज यू गेटिंग सो there are mediators. He was the middleman. Yes. उन्होंने कुछ और pitch किया होगा. हाँ, कुछ और pitch किया होगा. ये भी तो गंदे थे ना. नहीं, but then he wasn't aware. He thought होता है ना. There are people who are ready for everything, but there are people who are misguided who are not ready for it, but they are given the wrong information. That's what I'm talking about. जी. There are people who are ready for it and they go for it with their own willingness, but this message is for the people who are not aware, who are not willing to do something like that. And for them who want to lead their life in a right way. So that incident was something that, you know, I was blackout and I wasn't aware. And honestly speaking, I never tried. And that was, the place was towards the lower parel and the town center. Somewhere like, somewhere in that place only where I have never been. So I wasn't even aware where I'm going. Maybe it might have, you know, would have been dangerous for me in 100%. Some way, but then somehow God saved me. But then such things won't be saving other people. They might get trapped, you know, so with such things. So it's better to keep yourself safe, guided, and lead your life in a right way, in a right direction. It's important. Seriously, yaar, tum sab ki taraf se maine dil se thank you bol raha hu kyunki inhone jo advice diye. और बहुत ही एक्चुअल में मीनिंगफुल एडवाइस दी है. बिकॉज अगर एक नॉन फेस बोलेगा ना तो पता क्या होता है, बंदे इतना सीरियसली लेते नहीं है. अब ये इस इंडस्ट्री की है, अब ये बोल रहे हैं. आप सोचिए, समझिए, यहाँ आने से पहले 10 बार उसको आप वेरीफाई कीजिए. या टू वेरीफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. या एंड यू नो एवरीबॉडी हैव अ इंट्यूशन. जब आपको इंट्यूशन गलत आ रही है तो इट्स बेटर टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. अवॉइड कर लो. अवॉइड 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 अच्छा हाँ. और एक चीज़ और,
एक्टिंग में आने के लिए जरूरी कि एक्टिंग सीखना चाहिए कि नहीं यार बस अगर मैं ब्यूटीफुल हूँ क्यों दिखती हूँ तो मैं आ जाऊँ ये है ना देखा ये बहुत क्वेश्चन है लड़कियों को भी और लड़कों को भी उनको लड़कों को लगता है कि मेरी बॉडी अच्छी है फेस स्ट्रक्चर अच्छा है तो मैं एक्टर बन गया और लड़कियों को लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ फिजिक अच्छा है तो मैं एक्ट्रेस बन गई नहीं होता मैं अभी बात ही कर रहा था मैं them but then it's like they are there because of their skills 100%. And then agar aap look ki baat kar rahe hain then you know how does it matter then you know dekha इसके कहते हैं अच्छी बॉन्डिंग इनकी और नितिन सर की जो कास्ट पे नितिन सर ने भी ये कहा ऑलमोस्ट चिट के बारे में कहा भी नहीं मैंने इनको कुछ बताया नहीं ये कुछ स्क्रिप्ट नहीं भाई ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है सब स्पॉन्टेनियसली हम बात कर रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर शेयर इस चैनल इंडियाना ट्यून